इस समय मौजूद हैं आपके सभी पूर्व विधानसभा में, जहां पर से हमारे बम्मालाल दिवाकर जी चुनाव लड़ रहे हैं और उसके साथ कई दिग्गज प्रत्याशी लड़ रहे हैं। सपा से हमारे सुधीर रावत जी लड़ रहे हैं और उसके साथ में लोग और बसपा और कांग्रेस से लड़ रहे हैं, और आज हमारे बीच में मौजूद हैं जो बम्मालाल दिवाकर जी। हम आइए उनसे बात करते हैं चुनावी संग्राम में और खास बातचीत करेंगे, क्योंकि क्योंकि किन मुद्दों पे वो चुनाव लड़ रहे हैं दोबारा से, आइए बात करते हैं। हमारे धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस समय दोबारा आप चुनाव लड़ रहे हैं और किन मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं, क्या है खास मुद्दे आपके? विकास का मुद्दा तो आप जानते हैं, 2017 की सरकार ने पूर्ण रूप से विकास के कार्यों को पूर्ण करने का काम किया है। 2017 में योगी जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की ओर अग्रसर भी किया है। उसके साथ साथ 2022 के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश देश का सर्वोत्तम प्रदेश बनने जा रहा है, और रह गए विकास कार्यों में कोई बाधा या कोई जो कार्य ना हो पाए हों, मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार दोबारा बनेगी, जो कार्य नहीं पूर्ण हुए होंगे उनको भी पूर्ण कराने का मैं प्रयास करूंगा। चलिए, यहाँ के लोग अगर यहाँ से के लोगों से मिले, लोगों ने कहा कि बम्मालाल जी ने यहाँ पर विकास के कोई कार्य कराए ही नहीं, चाहे गड्ढा मुक्त सरकार और गड्ढा रोड मुक्त रोड हो और चाहे बुम्बा हो आपका जो नहर आती है, कोई भी काम नहीं कराए 2015 वर्ष में। हमें लगता है कि वो लोग सपा के लोग होंगे जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है, चाहे वो नहर की सफाई का काम हो, चाहे सड़कों की बनाने का काम हो। 2011 की जनगणना में जिन गांवों और मजरों की आबादी 250 या उससे अधिक थी, उन सभी गांवों को जोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और जो लोग ये कह रहे हैं उनकी मानसिकता काम करने की नहीं है, उनकी मानसिकता सिर्फ विरोध करने की है, उनके पास कोई विषय नहीं है। मैं उनसे इतना जरूर कहूंगा कि वो लोग आलोचना के अलावा कुछ नहीं कर नहीं सकते, लेकिन उनको चाहिए कि अगर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने कुछ अच्छे काम किए हैं तो उनका उनको धन्यवाद भी करना चाहिए। अपने विधानसभा में आपने पांच अपने विकास के काम बताइए, जो बड़े काम विकास के किए हों। अरे पांच की हमारे पास तो लंबी सूची है, सूची लेते जाइए, आराम से दिखाइएगा। फिलहाल पांच बड़े विकास के काम हमारे यहाँ एक अग्निशमन केंद्र बन रहा है, हमारे यहाँ पर एक स्टेडियम बन रहा है, हमारे यहाँ एक मंडी बन रही है, हमारे यहाँ एक आयुर्वेदिक का अस्पताल बना है, हमारे यहाँ एक होम्योपैथिक का अस्पताल बना है, हमारे यहाँ एक CSC जो आधी बनी पड़ी हुई थी सपा सरकार में, जिसमें इन लोगों ने उसको काम उसकी शुरुआत तक नहीं कराई थी, उसको भी हमने चालू करा लिया है। कई ऐसे काम है, मैं अगर गिनाने लगूंगा तो सैकड़ों काम है जिनको कराने का काम योगी जी के नेतृत्व में सरकार ने। सुधीर रावत जी कहना है कि इस समय आपको बम्मालाल जी का चौथा स्थान मिलेगा क्योंकि उन्होंने विकास का कोई काम नहीं किया है, और उस पर आप क्या कहेंगे? ये तो अब 10 तारीख बताएगी, मुझे इस पर कोई बहस नहीं करनी है। 10 तारीख को पता चल जाएगा कि वो चुनाव की काउंटिंग में भी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जब काउंटिंग में पहुंचने के लिए जनता का समर्थन और आशीर्वाद प्राप्त होगा तभी काउंटिंग में पहुंच पाएंगे, नहीं तो काउंटिंग में भी नहीं पहुंच पाएंगे। चलिए, हमारे साथ थे बम्मालाल दिवाकर जी, जो जिन्होंने अपनी बात बताई और नई बातें जो विकास के जो बचे हुए कार्य हैं वो अपना करेंगे। कैमरा मैन गुरु पांडे के साथ में राम शेखर वर्मा, रफ्तार मीडिया उन्ना हूँ।